मुश्तबा, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जब पेपर होंगे तो मैं पोजीशन हासिल करूंगा या नहीं। मुश्तबा, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छे मार्क्स लाना, जैसे कि तुम पिछली दफा लाए थे, ठीक है ना? इंशाल्लाह तुम पोजीशन हासिल करोगे, ठीक है? ठीक है। वाणी, मेरा मेरा दिमाग परेशानी दूर हुई है, लेकिन मुझे एक बात पे बहुत गुस्सा है। कौन सी बात है? मेरी क्लास में मेरे बच्चे ने कॉपी उठाई और नीचे फेंकी। अब मैं स्कूल जाऊंगा तो उसे बात नहीं करूंगा। मुश्तबा, इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते हैं। ये जितनी छोटी सी बात है, आप इसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? और एक और बात बताओ, गुस्सा करना हराम है, आपको पता है? वानिया, लेकिन बड़े पे तो गुस्सा करते हैं ना। मैं भी कभी कभार यही सोचती हूँ कि बड़े भी गुस्सा करते हैं, उनको भी पता है कि गुस्सा हराम है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये बड़े जो है ना, उनकी बड़ी बड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जॉब, किसी को जॉब की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो लोग गुस्सा करते हैं, है ना? और तुम्हें पता है आज 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को क्या हुआ था? 10 अक्टूबर को पता है क्या हुआ था? मेंटल हेल्थ डे है आज। आज मेंटल हेल्थ डे क्या होता है? देखो, तुम्हें नहीं पता ना मेंटल हेल्थ डे क्या होता है? नहीं। हम अपने आप को अच्छा करने, खूबसूरत बनाने के लिए अच्छे से ड्रेसेस पहनते हैं, सब खाना खाते हैं, हम लोग के हेल्दी नजर आते हैं ना। वैसे हमें डिप्रेशन से, डिसअपॉइंटमेंट से, सैडनेस से, टेंशन से और एंगर से और बहुत सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये आपका दिमाग में मेंटल डिजीज पैदा करते हैं। ये मेंटल डिजीज को ये निकलती कैसे है? मैं तुम्हें बताती हूँ। हमें अपने आप को भी खुश रखना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। खुद पे गुस्सा नहीं होना चाहिए और दूसरों को भी गुस्से में नहीं लाना चाहिए। अपनी टेंशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस। हाँ वानिया, मैं यही करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इस बीमारी का शिकार हूँ। और दोस्तों, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे काम ना करिएगा। टेंशन और सैडनेस और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भी मेंटल डिजीज आ सकती हैं, ठीक है ना? खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखा करें, ये मेरी बड़ों से भी रिक्वेस्ट है। अपने आप को भी खुश रखा करें और दूसरों का भी खुश रखा करें, ज़्यादा गुस्सा भी ना किया करें और टेंशन फ्री रह लाइफ गुजारें। और ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और इसी ज़िंदगी के अंदर आपने पता क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़।